मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मेरे हिंदू भाइयों से कि आपको मुसलमानों से खतरा नहीं है, आपको मोदी जी से खतरा हो, मोदी जी की पार्टी से खतरा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में राशन भरा रहे, आपके आप चाहते हैं कि आपके जो ये छोटे मोटे काम जो है वो भी हो जाए राशन के अलावा, तो आप सरकार बदलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को मशवरा देना चाहता हूँ कि भाई ये रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, गौ माता के नाम पे आप लोगों को मार दोगे, ट्रेन पे चलते हुए किसी की दाढ़ी काट दोगे, उससे बेहतर ये नहीं है कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को मार ही डालें। क्योंकि अब आपका वो समझ में आ रहा है हमें कि जो आपका सबका साथ और सबका विकास था ना, वो किस तरफ जा रहा है। जब इलेक्शन आता है तब आपको याद आता है कि जी अब यहाँ पर मुसलमानों की रिजर्वेशन खत्म करनी है, यहाँ पर मुसलमानों को मारना है, यहाँ पर मुसलमानों की दाढ़ियाँ नोचनी है, ये सारी चीज़ें आपको इलेक्शन के दरमियान में क्यों नजर आती हैं। और मोदी जी से मेरा खास सवाल है कि भाई ये 80 करोड़ से ज़्यादा जो हिंदू गरीब हैं बेचारे, इनके लिए कुछ क्यों नहीं करते आप? मुसलमानों का नाम लेके तो आप जीत जाते हो हर बार के भी मुसलमानों को ये करेंगे, मुसलमानों को वो करेंगे। ये जो 80 करोड़ लोग आपका राशन ले रहे हैं ना 5-5 किलो हर महीने, और 5 से बढ़ा के शायद आपने 10 कर दिया, इन गरीबों के बारे में कब सोचेंगे आप और कब करेंगे आप? अब जैसे कि हम जम्मू कश्मीर से हैं, तो मैं तो ये सवाल रखूंगा कि जम्मू के गरीब डोगरा जो बेचारे हैं दुकानदार, जिनका दरबार मुंह रोक के आज तक आपने रखा हुआ है और उनका रोजी रोटी का मुश्किल हो चुका है, उनके लिए आपने क्या सोचा है? मुसलमानों को कोस कोस के तो आप बार बार पावर में आते रहेंगे, और उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप हमेशा हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट क्यों देते हैं? आप क्यों नहीं पूछते मोदी जी से, और क्यों नहीं पूछते उन लोगों से जिनको आपने वोट देने हैं कि भैया आप हमारे लिए क्या करोगे, पिछले 5 साल क्या किया, अगले 5 साल क्या करोगे? जिस दिन सियासत इस मौके पर आ जाएगी तो सारी दुनिया का जो है कल्याण हो जाएगा, सारी दुनिया आगे बढ़ जाएगी। हिंदू खतरे में, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू खतरे में, क्योंकि 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू जो है वो बेचारे रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं। इससे बड़ा खतरा क्या होगा कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकता, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल नहीं रही है, पानी आपका आ नहीं रहा है, खाने के लिए आपके किचन में कुछ है नहीं, तो इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि क्या दुर्भाग्य जो है हिंदुस्तान के हिंदुओं का होगा। हिंदुस्तान का हिंदू वाकई में खतरे में है, और वो खतरा जो है मोदी जी से है, मोदी जी की पार्टी से है, क्योंकि पिछले 10 साल से उन्होंने पूरा हल किया हुआ है यहाँ का इकोनॉमी का, और कुछ करने नहीं दे रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मेरे हिंदू भाइयों से कि आपको मुसलमानों से खतरा नहीं है, आपको मोदी जी से खतरा हो, मोदी जी की पार्टी से खतरा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में राशन भरा रहे, आपके आप चाहते हैं कि आपके जो ये छोटे मोटे काम जो है वो भी हो जाए राशन के अलावा, तो आप सरकार बदलिए। सरकारें बदलेंगी, मोदी जी उतरेंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ चंद बेवकूफ लोग मैं कहूंगा, जिनको अपने घर में राशन नहीं है लेकिन फिर भी मोदी जी करते रहेंगे, तब तक ये चलता रहेगा, तब तक हिंदू मुसलमान होता रहेगा, जब तक लोग इसको दरकिनार नहीं करेंगे। ये लोगों के हाथ में है, लोगों के हाथ में कि लोग अपना जो मैंडेट देना चाहते हैं किसी को, तो उससे पूछें अपना काम कि पिछले 5 साल क्या किया, अगले 5 साल क्या करेगा तू मेरे लिए भाई, मेरे बच्चे के लिए क्या करेगा, मेरे बच्चे के स्कूल के लिए क्या करेगा। तो जब तक ये सवाल हम पूछेंगे नहीं, तो मोदी जी तो करते रहेंगे, उनको तो मजा आ रहा है हिंदू मुसलमान करके पावर में आते रहेंगे।